दुबई की इस जगह पर रात में किया जाता है ये घिनौना काम। एक ऐसा शहर जहां पर हर किसी की रातें रंगीन होती है। यहां की लड़कियां देखकर आपको जन्नत का एहसास होगा। यहां पर लोग कुत्ते बिल्ली नहीं पर शेर चीते और हाथी पालना पसंद करते हैं। यहां के शेख लड़कियों पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं। बस आप इस वीडियो को ही देख लीजिए। इस देश के लोग ऊंट के मीट को खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। यहां का बैली डांस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है। दोस्तों ये है दुबई, एक सपनों का शहर जहां पर रात होते ही क्या कुछ नहीं होता। तो चलिए जानते हैं दुबई का वो सच जिससे हर कोई अनजान है। दोस्तों अगर हम दुबई मॉल की बात करें तो दुबई मॉल को बनाने में 20 बिलियन डॉलर का खर्च हुआ। ये मॉल 12 मिलियन वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका आकार 200 फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर होता है। इस मॉल के अंदर दुबई एक्वेरियम भी है जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। इसके अंदर आपको 33,000 जलीय जानवर घूमते हुए दिख जाएंगे। अगर हम पाम जुमेरा की बात करें तो ये 5400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके घरों में आप घूमोगे तो आपको वहाँ पर गोल्ड ही गोल्ड नजर आएगा। पाम जुमेरा को बनाने में लगभग 12 बिलियन डॉलर का खर्च हुआ। अगर हम बुर्ज अल अरब की बात करें तो इसको बनाने में 1 बिलियन डॉलर का खर्च हुआ। साथ ही साथ जिस तरफ नजर दौड़ाई जाए सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड नजर आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बुर्ज अल अरब में पूरे 24,000 स्क्वायर मीटर गोल्ड की चादर लगाई जा चुकी है और वह भी 24 कैरेट गोल्ड की। बुर्ज अल अरब के सबसे महंगे कमरे में एक रात गुजारने का रेंट 24,000 डॉलर यानी 18 लाख रुपयों के बराबर है। दुनिया की सबसे लंबी सोने की चेन की बात करें तो इस चेन की लंबाई 5.5 किलोमीटर है और इसका वजन 256 किलोग्राम है जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की अंगूठी दुबई के पास ही है जिसका वजन 64 किलोग्राम है जिसका नाम नजमत तैयबा है और इसकी कीमत तकरीबन 3 मिलियन डॉलर है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन दुबई का मिरेकल गार्डन है। यहाँ 50 मिलियन फूल और 250 मिलियन पौधे लगाए गए हैं। ये गार्डन 72,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर हट एरोप्लेन और कई प्रकार के पशु पक्षी भी फूलों से बने हुए देखने को मिलते हैं और कई ऐसी चीजें बनी हुई है जो आपको हैरत में डाल देती है। दुबई में एकमात्र ऐसा म्यूजियम है जिसको बनाने में 1024 स्टेनलेस स्टील के पैनल का इस्तेमाल किया गया है। इसको बनाने के लिए 134 मिलियन डॉलर का खर्च किया गया है। दुबई में सोने का फ्रेम भी बनाया गया है जिसको दुबई फ्रेम भी कहा जाता है। इसको बनाने में लगभग 44 मिलियन डॉलर का खर्चा किया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे नाइट क्लब की बात हो या फिर दुनिया के सबसे ऊंचे स्विमिंग पूल की बात हो, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एलिवेटर, दुनिया का सबसे ऊंचा टेनिस ग्राउंड, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल दुबई में ही पाया जाता है। दुबई के लोग सोना पहनना ही नहीं बल्कि सोने को चलाना भी पसंद करते हैं। मतलब कि कार भी सोने की होती है और कार भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे महंगी सुपर कार आपको दुबई में आसानी से सड़कों पर घूमती नजर आएगी। यहाँ तक कि दुबई पुलिस भी लैम्बोर्गिनी, फरारी और बेंटली जैसी सुपर कार चलाती है ताकि वे क्रिमिनल्स को आसानी से पकड़ सके, क्योंकि वहाँ क्रिमिनल्स भी सुपर कार ही चलाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ के लोग खाने में भी सोने का इस्तेमाल करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1990 में दुबई में एकमात्र गगनचुंबी इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ करती थी, लेकिन आज दुबई में कुल 911 ऊंची इमारत है जिसमें विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। इस इमारत का निर्माण वर्ष 2010 में पूर्ण हुआ और तब से लेकर अब तक ये विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी ऊंचाई 828 मीटर है जिसमें 160 फ्लोर्स है और 90 किलोमीटर दूर से भी इस इमारत को देखा जा सकता है। इसको बनाने में तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर का खर्च हुआ। तो चलिए अब जानते हैं कि दुबई को सपनों का शहर क्यों कहा जाता है। दुबई में कई जगहों पर या फिर कई होटलों में बार होते हैं जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती है। ये सभी लड़कियाँ डांस करती है, वहाँ पर कई सारे लोग भी मौजूद होते हैं। ये सभी लोग डांस कर रही लड़कियों में से किसी को भी पसंद कर लेते हैं। जिसको जो लड़की पसंद हो उसे पसंद कर लिया जाता है ताकि रात को रंगीन बनाया जा सके, और सच में कई सारी होटलों में ये काम होता है। दोस्तों आप सोचिए, जिस देश के पास सिर्फ रेगिस्तान की रेत के अलावा कुछ नहीं था, ना तो पानी था और ना ही बारिश होती है, फिर भी रेगिस्तान से दुबई को दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाया। ये सिर्फ एक इंसान की वजह से ही मुमकिन हुआ है और वो है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम और उनके पिताजी। इनसे हर देश को मोटिवेशन लेनी चाहिए, ना तो पानी, सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान, फिर भी ये सब करना कोई आम बात नहीं। आज
दुबई टूरिस्ट के मामले में सबसे टॉप पर है।